हेलो, आज की रेसिपी है मारवाड़ी स्पाइसी ड्राई समोसा या मिनी समोसा। इसे आपने दुकान से ख़रीद के तो ज़रूर खाया होगा, तो चलिए आज इसे बनाते हैं घर में। वेलकम टू क्राफ्टिस्टिक रोज वर्ल्ड। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस एंड कैच अस इन आवर इंग्लिश चैनल लिटिल शेफ्स हट किचन। चलिए शुरू करें। ड्राई समोसा बनाने के लिए हमने यहाँ लिया आधा कप मूंग की दाल और इसे 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। दाल भीगने के बाद इसको हमने एक कढ़ाई में सूखा ही रोस्ट कर लिया है, जब तक ये थोड़ी भुन नहीं गई। अब दाल भुन चुकी है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और इसका रंग भी बदल चुका है। तो इसे एक बाउल में पलट लेते हैं और सूखे मसाले भून लेते हैं। सबसे पहले 2 टेबल स्पून सौंफ ले लेते हैं और इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। जब ये हल्की भुन जाए तब इसमें डाल लीजिए 1 टेबल स्पून ज़ीरा, ये नॉर्मल ज़ीरा है, शाह ज़ीरा नहीं है, और इसे भी भून लीजिए। अब इसमें डालना है 2 टेबल स्पून खड़ी धनिया और इन तीनों को एक साथ भून लीजिए। जिस सीक्वेंस में मैंने डाला है आप इसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि सौंफ और ज़ीरा भुनने में ज़रा वक्त लेता है और खड़ी धनिया जल्दी भुनती है। इन तीनों को अच्छी तरह भुनने के बाद अब इनको एक दूसरे पैन में निकाल लीजिए। इन मसालों को और दाल को ठंडा करके हमें दरदरा पीस लेना है। और अब चलिए आटा तैयार कर लेते हैं। समोसे के पिस्ता का आटा तैयार करने के लिए हमने यहाँ लिया है 1.5 कप मैदा। आप चाहें तो आटे और मैदे को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, और उसे छान लिया है। छानने से उसके सारे लम्स दूर हो जाते हैं। अब इसमें डाल लिया है 1 टी स्पून अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक और 2 टेबल स्पून तेल। अब इसको अच्छे तरीके से मसल लेते हैं ताकि इसका मोयन अच्छे तरीके से बैठ जाए। मोयन आपका ऐसा होना चाहिए कि जब आप आटे को मुट्ठी में लेके बांधे तो उसका लड्डू जैसा बंधे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक नरम आटा गूंथ लीजिए, कुछ इस तरह। इस आटे को अच्छे तरीके से गूंथने के बाद इसमें हम 1 टी स्पून तेल ऊपर से लगा करके इसको रख देते हैं ताकि आटा सूखे ना और ज़्यादा खस्ता भी हो जाए। आटे को हमको लगभग 10 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। आप चाहें तो आटे को हल्के से नम कपड़े से भी ढक करके रख सकते हैं। चलिए अब मसाला तैयार करें। समोसे का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 6 टेबल स्पून तेल गरम कर लीजिए और इसमें 1/2 टी स्पून हींग डाल दीजिए। हींग जब अच्छे तरीके से पक जाए तब इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डाल दीजिए। सफ़ेद तिल को अच्छे तरीके से तड़कने लीजिए। जब सफ़ेद तिल अच्छे से तड़क जाए तब इसमें 3/4 कप बेसन डाल करके बेसन को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। जब बेसन में से भुनने की खुशबू आने लगे और उसका रंग बदल जाए तब हमने इसमें डाला है पिसा हुआ मसाला। इन्हें थोड़ा चलाते हुए भून लीजिए। और अब हमें इसमें डालना है 1/2 टी स्पून गरम मसाला, 1 टी स्पून चाट मसाला, 2 टी स्पून शक्कर, 1/2 टी स्पून गोल मिर्च का पाउडर और 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब डाल लीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबल स्पून काला नमक, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर और फिर से मिक्स करते हुए हल्का सा भून लीजिए। जब थोड़ा सा मसाले भून जाए तब इसमें हम डाल लेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने हाथ से अच्छे से क्रश कर लिया है और उसके बाद इसको मिला दिया है। कसूरी मेथी डालने से खुशबू और फ्लेवर ज़रूर अच्छा आएगा। इसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मैंने यहाँ बारीक कटे हुए काजू और थोड़ी सी किशमिश डाली है। अब इसमें डाल लीजिए 1/2 कप पानी और पानी डालने के बाद थोड़ा भूनते हुए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। जैसे ही आप पानी डालेंगे मसाला बंधना शुरू हो जाएगा। अब चलिए बना लेते हैं लोइया। लोइया बनाने से पहले आटे को थोड़ा सा गून लीजिए और इसकी इतनी बड़ी बड़ी मतलब बहुत छोटी लोइया बनानी है हमको। आपकी लगभग इतने आटे में 34 से 36 समोसे बनेंगे। लोइया बनाने के बाद अब इनकी पूड़ियाँ बना लेते हैं। पूड़ियाँ आपको कुछ ऐसी बनानी है, थोड़ी सी लंबी और पतली, ताकि जब हम समोसा काटें तो उसका शेप सही आए। पूड़ी तलने के बाद आपको इसे आधे में काट लेना है। इस तरीके से इसे हाफ में काट लीजिए और एक हिस्सा ले करके उसके आधे हिस्से पर पानी लगा लीजिए। पानी लगाने के बाद इसको कोन शेप में मोड़ के अच्छे तरीके से दबा करके चिपका लीजिए। अगर ये पूरी अच्छे से दब के चिपकेगी नहीं तो ये तेल में खुल सकती है और आपका मसाला तेल में बिखर सकता है। कोन अच्छे तरीके से चिपकाने के बाद अब इसमें जितना आप मसाला डाल सकते हैं उतना मसाला डाल दीजिए। मसाले को अच्छे तरीके से कोन में भर दीजिए और थोड़ा सा समेटते हुए इसके चारों तरफ इस तरह से पानी लगा दीजिए।
पानी लगाने के लिए अगर आपको कुछ तकलीफ़ हो तो पहले हाथ से समोसे का जो भरावन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि ये सूखा मसाला ही है तो ये बिखरता है ज़्यादा। अच्छे तरीके से पानी लगाने के बाद इस तरह से एक फोल्ड कीजिए और ऐसे प्रेस करते हुए इसे त्रिकोण शेप दे दीजिए समोसे का। कई लोगों को समोसे का शेप बनाने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं एक बार और बता रही हूँ। ये पूरी मुझे ज़रा छोटी लगी और थोड़ी मोटी भी थी, इसलिए मैंने इसको दोबारा बेल लिया है। पहले आधे हिस्से में इस तरह पानी लगा करके इसे कोन के शेप में मोड़ लीजिए। कोन को अच्छे से दबा करके कॉर्नर्स को सील कर लीजिए और सील करने के बाद इसमें भरावन भर दीजिए। जो भी मसाला है ये काफ़ी सूखा है, इसलिए ज़रा एहतियात से इसे भरिए और मसाले को समेटते हुए थोड़ा दबा करके अब जो पूरी का बाकी का हिस्सा है, कोन का जो बाकी का हिस्सा है, उसके सिरे पर हमको पानी लगा देना है। चारों तरफ आपको अच्छे तरीके से पानी लगाना है ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं वो सील हो जाए। अब पूरी को बीच में इस तरह से टक करते हुए एक छोटा फोल्ड कीजिए, एक छोटा टक दीजिए और उसके बाद बाकी के एजेस को भी अच्छे तरीके से सील कर लीजिए। समोसा बन करके रेडी हो चुका है, बाकी समोसे भी इसी तरह बना लीजिए। तेल को मैंने तेज़ गर्म किया है और समोसे डाल करके मध्यम आँच पर इन्हें सुनहरा होने तक तल लेते हैं। जब समोसे तल करके रेडी हो जाएंगे तो हम इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। इस तरह थोड़ा सा पलटते हुए समोसे को हमको अच्छे से तल लेना है। ये समोसे टी टाइम स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं, तो इसे इसी तरह से तलते हुए हमको सुनहरा कर लेना है। जब समोसे तल जाएं तो इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए और लीजिए, हमारे टी टाइम ड्राई मिनी समोसा रेडी है। सारे समोसे तल करके रेडी कर लें और अपने गेस्ट को सर्व करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।